फातिनो हजरात, मैं आपको आज एक मैसेज देना चाह रही हूँ। वो ये कि आजकल जैसा ये वबा फैली हुई है, इसके बारे में आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि आप बार बार हाथ धोएं, मुंह और हाथ बार बार धोएं, बाहर निकलें तो एहतियात से और लोगों से हाथ मिलाने से गुरेज करें, और आप जो भी खाना बनाएं, गोश्त खासकर, स्पेशली गोश्त, तो आपको अच्छी तरह से कुक करके पकाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं लहिका, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं लाहौर की मशहूर बट कढ़ाई, टाइप ऑफ बट कढ़ाई, और ये यहाँ बहुत पसंद की जाती है। आज जो हम कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, उसके लिए ये हमने लिया है 2.5 किलो मटन, जो मैं इसमें डालूंगी कुकर में। ये हमने कुकर में पहले गलाएंगे। इसमें हमने 4 प्याज लिए हैं, दरमियाने साइज के, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, और लहसुन अदरक मैंने तकरीबन 15 से 20 जवे लहसुन के हैं, और आधी चटांग के करीब अदरक है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और 2 गिलास इसमें पानी के हम डालेंगे। मैं इसमें 2 से 2.5 चम्मच में नमक डाल रही हूँ। इसमें हम 2 और 2.5 चम्मच ही मिर्चों के डालेंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। अब हम इसमें ये 7 से 8 टमाटर हैं मेरे पास, जो कि मैंने छील रखे हैं, छिले हुए टमाटर हैं, ताकि ये है कि बाद में हमें छिलका ना निकालना पड़े। ये हमने डाल दिए हैं। अब इसको हम बंद करेंगे और कुकर चूल्हे पर रख देंगे। अब ये हम तेज आंच पर रख रहे हैं, और ये 10 से 15 मिनट तक वेट लगने, हिलने के बाद 10 मिनट पकेगा। देखिए, गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसमें ये कढ़ाई में डालेंगे। हमने कढ़ाई में ले लिया है, और अब हम इसमें बाकी अज्जा डालेंगे, लेकिन अभी हम पहले इसका पानी खुश करेंगे, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या इसमें डालना है। ये देखिए, हम इसका पानी खुश करेंगे और फिर इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे, और इसका ख़ास इसकी ये चीज़ है कि ये देसी घी और मक्खन में तैयार होगी, तो इंशाल्लाह तआला आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब हम इसमें मक्खन ऐड करने लगे हैं, जो कि हमारे पास 1/2 किलो मक्खन है, जो हमने इसमें 2.5 किलो गोश्त में 1/2 किलो मक्खन इसमें डाला है। अब हम इसको अच्छी तरह से चलाएंगे चम्मच, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए जी, अब इसमें मक्खन ऊपर आ गया है। अब हम इसमें और मसाले हमारे डालते हैं। ये हम साबुत धनिया जो हमने कूटा है, ये हम 2 चमचियाँ बस डालेंगे, और काली मिर्चें ये हम 1/2 चम्मच काली मिर्च का डालेंगे, और हम इसके साथ दही, दही के हम टमाटर भी क्योंकि हमने डाले हैं, तो हम 3-4-5 चम्मच हम दही के डाल रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा अदरक, लाल साबुत मिर्चें, थोड़ी सी, बेतहाशा नहीं, थोड़ी सी लाल साबुत मिर्चें और थोड़ी सी हरी मिर्चें हम डाल के अब हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे, और साथ हम इसमें थोड़ा सा देसी घी भी डाल रहे हैं। जिसमें हम देसी घी भी डाल रहे हैं और थोड़ा सा ऑयल भी यूज़ करेंगे, और अब इसकी हम मज़ीद भुनाई करते हैं तेज़ आग पर।
थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर रही हूँ, बाकी मैं गार्निश के लिए छोड़ दूँगी सारा सामान। ये देखिए ना कितनी अच्छी शक्ल आ रही है इसकी। ये देखें जी इसकी भुनाई हो रही है, तकरीबन हो चुकी है। हम थोड़ी सी देर और भुनेंगे, 2 मिनट भून के तो फिर इसके ऊपर हम मसाला डालेंगे हरा, जो कि हमने तैयार है। ये कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है और इस पर अब हम हरा अदरक हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। ये हमारी देखें कितनी प्यारी शक्ल आ गई है, और नींबू भी। ये हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है, अब देखें खा के कैसी लगती है। इंशाल्लाह ताला अच्छी लगेगी। और अब हम नेक्स्ट रेसिपीज के साथ आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।